आज का पवित्र वचन परमेश्वर से मांगने का सही तरीका। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है अगर आपके दिमाग में सही तस्वीर नहीं है कि आप परमेश्वर से अपने लिए क्या चाहते हैं, तो परमेश्वर को उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से एक लड़की परमेश्वर से यह प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मुझे अच्छा पति चाहिए, तब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस लड़की से कहा, कैसा अच्छा, मेरे लिए एक शिक्षक भी अच्छा है, मेरे लिए एक अधिकारी भी अच्छा है, तो कैसा अच्छा चाहती है। और फिर उस परमेश्वर के दास ने उससे कहा, तुझे अपने पति का प्रोफेशन यानी कार्य कैसा चाहिए और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। उसने कहा, वह शिक्षक होना चाहिए। तब फिर परमेश्वर के दास ने उससे कहा, एक पेपर पर लिख ले। तब उस लड़की ने अपने पति में 10 खूबी लिखी जो उसमें होनी चाहिए और अपने दिमाग में सही तस्वीर बनाई और उसके अनुसार प्रार्थना करनी शुरू की। और परमेश्वर ने उसे 6 महीने में वैसे ही पति के साथ आशीषित किया। हालेलुया। इसी तरह से आज लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, लेकिन परमेश्वर उनके लिए कैसे तय करेगा कि उनके लिए अच्छा रिश्ता कौन सा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर धरती बनाई तो परमेश्वर के दिमाग में धरती की तस्वीर थी कि धरती कैसी होनी चाहिए। इस तरह अगर परमेश्वर धरती की सही तस्वीर अपने दिमाग में बनाकर अपने मुँह के वचनों से पैदा कर सकता है, तो आपको भी सबसे पहले अपने दिमाग में जो आपको चाहिए उसकी सही तस्वीर बनानी है, ताकि परमेश्वर आपको उसी चीज से जो आपने उससे मांगी है आशीषित कर सके। जब मैंने सेवकाई शुरू की तब मेरे दिमाग में वही तस्वीर थी कि मुझे सेवकाई कैसी चाहिए। आज परमेश्वर ने मुझे वैसी ही सेवकाई के साथ आशीषित किया है। अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना में आशीष मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और आप आशीष नहीं पा रहे हैं, तो याद रखें परमेश्वर के पास 1000 प्रकार की आशीषें हैं। आपको कौन सी आशीष चाहिए, या आप यह मांग रहे हो कि मुझे अनुग्रह दे, तो आपको कैसा अनुग्रह चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास 1000 प्रकार के अनुग्रह हैं, जैसे भविष्यवाणी में बढ़ने का, विश्वास में बढ़ने का, आर्थिक रूप से आशीषित होने का, सफलता प्राप्त करने का। क्योंकि जब हम अन्य जातियों से निकलते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा, लेकिन वो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है और किस तरह से। जब परमेश्वर से मांगना है तो इस रीति से मांगना है कि परमेश्वर, मेरा पति नशा करता है, मेरे पति को नशे से आजाद कर। और अपने दिमाग में उसकी सही तस्वीर बनानी है कि मेरा पति नशे छोड़ चुका है और चर्च में बैठा है और पवित्र आत्मा से भर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और फिर परमेश्वर वैसा ही कर देगा। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे दिमाग में दर्शन है आप उसे पूरा कर चुके हैं। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।